हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और एक नए ट्रैवल सीरीज़ मालदीव में। मैं अपने हनीमून पे मालदीव जा रहा हूँ, मगर मैं बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं करना चाहता था अपने हनीमून पे। ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन आई एम गोइंग, ब्लू वाटर्स, इतना सीनिक व्यू रहेगा। सो मेरे से कंट्रोल नहीं हुआ और ऐसा हो नहीं सकता कि मैं शूट ना करूँ और आप लोगों को ना दिखाऊँ। मैंने डिसाइड किया है कि 5 दिन के मेरे ट्रिप में आई विल शूट फॉर 2 डेज और 3 दिन मैं इंजॉय करूँगा, अपना टाइम स्पेंड करूँगा, पर्सनल टाइम। सो गाइज, वी रीच्ड माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट मालदीव्स। आप लोगों को इस सीरीज़ में मैं सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि यहाँ पर मालदीव जाने के लिए टिकट प्राइसिंग क्या होती है, और अगर आप लोग मालदीव जा रहे हैं एज ए इंडियन तो आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, डिफरेंट टाइप ऑफ विलास जो रिजॉर्ट में होते हैं और उनका क्या क्या प्राइसिंग होता है, आप लोगों को कौन सा पैकेज प्रिफर करना चाहिए, हाफ बोर्ड, फुल बोर्ड या ऑल इंक्लूसिव, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोगों को करना चाहिए जब आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो, और सी प्लेन या बोट में से क्या आप लोगों को प्रेफर करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इन डिटेल वे में बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो की सीरीज़ 2 या 3 वीडियो की रहेगी, तो आप प्लीज़ मेरा ये पूरा सीरीज़ प्रॉपरली देखिएगा। व्हेन यू लैंड तो आप लोगों के रिजॉर्ट के अलग अलग काउंटर बने हैं, इफ़ यू आर प्रेफरिंग प्राइवेट रिजॉर्ट तो सब रिजॉर्ट के अलग अलग काउंटर हैं, तो आप लोग ये काउंटर पर आ सकते हैं डायरेक्टली, तो दे विल हेल्प यू। जैसे ही आप एयरपोर्ट से निकलेंगे तो यू विल गेट टू सी दिस ब्यूटीफुल व्यू, और यहीं से आप लोगों को आपका बोट मिलेगा। घर पे दिल टैग योर बैग और यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये हम लोगों की बोट है। इस बोट से इट्स अ राइड ऑफ 45 मिनट्स, यहाँ से हम लोग डायरेक्ट सन सीएम ओही विली जाएंगे। सो गाइज, दिस इज़ माले सिटी। हम लोग निकल चुके हैं अपने रिजॉर्ट के लिए। सो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग प्राइवेट आइलैंड का रिजॉर्ट बुक कर रहे हैं तो जो आपका बोट राइड है और सी प्लेन है वो इंक्लूड रहता है पैकेज में। डिपेंड करता है कि आपका जो रिजॉर्ट है वो एयरपोर्ट से कितना दूर है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको सी प्लेन मिलेगा कि बोट राइड मिलेगी। तो हम लोगों का जो रिज़ॉर्ट है वो कुछ अराउंड 40 किलोमीटर से एयरपोर्ट से, माले एयरपोर्ट से, तो इसलिए हम लोगों को बोट राइड मिला है। बाकी अगर आपका जो रिज़ॉर्ट है वो 100 किलोमीटर से क्रॉस करता है तो यू कैन ऑफ फॉर सी प्लेन, वो भी इंक्लूड रहता है किसी किसी रिज़ॉर्ट में, किसी किसी में नहीं होता है। When you reach resort, so आप लोगों को यहाँ पर welcome किया जाएगा। welcome करने के बाद आपको एक representative allocate होगा, वो आप लोगों को पूरा resort का virtual tour कराएगा। map के through आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं resort में, और actually resort इतना बड़ा होता है कि अलग अलग जो villas होते हैं उनके अलग अलग रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो आप लोगों को बताया जाएगा किस रेस्टोरेंट में आप लोगों को लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट करना है। सो गाइस, अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं अगर आप लोग मालदीव आ रहे हैं एज ए इंडियन। तो सबसे पहला जो है वो रिटर्न टिकट होनी चाहिए आप लोगों के पास। दूसरी चीज़ ये है कि आप लोगों के पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। अच्छा, सबसे मेन कन्फ्यूजन यहाँ पर ये होता है लोगों को कि अब बहुत सारी होटल बुकिंग अनपेड होती हैं, आप लोग पे नहीं करते हो, यहाँ आके पे करते हो, तो ऐसा भी कर सकते हैं कि आप लोग अनपेड बुकिंग भी आप लोग दिखा सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो वैलिड। तीसरी चीज़, आप लोगों के पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए जो जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होना चाहिए। और चौथी चीज़, इम्यूगा इमिग्रेशन फॉर्म, जिसमें आप लोगों को अराइवल एंड डिपार्चर के बारे में डेट्स बताना पड़ेगा, तो वो आप लोग फिल करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा,
बाकी RT-PCR और वैक्सीनेशन अभी नहीं मांगा जा रहा है, इट इज़ नॉट देयर, एंड एयर सुविधा भी नहीं लग रहा है। फिर एक और सबसे मेन चीज़ ऐसा एडवाइज्ड है कि अगर आप लोग कोई भी कंट्री जा रहे हो तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए आप लोगों के पास सर्वाइव करने के लिए। सो $50 पर पर्सन पर डे ऐसा बोला जाता है, तो इतना पैसा आप लोगों के पास होना चाहिए अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पर। तो सो दैट इज़ इट गाइज, आप लोग ये डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली प्रिपेयर करके एक फाइल बना के लेके जाइए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड फॉर माई नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज, जहाँ मैं आप लोगों को मालदीव्स रिजॉर्ट और वाटर एक्टिविटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। एंड प्लीज़ पोस्ट एनी क्वेरी इफ़ यू हैव ऑन कॉमेंट सेक्शन, सो आई विल ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। थैंक्स एंड कीप वॉचिंग गाइज, बाय बाय।